नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, हर बार की तरह हमें एक यूट्यूब से रिक्वेस्ट आया कि सर यहाँ इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया जाए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर। और उन्होंने पूछा भी कि कौन से किस लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली जैसे ही रिक्वेस्ट आया, हमने सोचा कि डेफिनेटली यहाँ पे एक वीडियो बनाया जाए। उनको तो काम आएगा ही, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी समझ में आएगा कि इस स्टॉक में एंट्री करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, इस स्टॉक का हम सिर्फ टेक्निकली डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे ड्रॉ करके उसका एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, ये मंथली टाइम फ्रेम है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ही हम पहले एनालिसिस करेंगे, फिर वीकली, फिर डेली, फिर आपको यहाँ पे कितना टारगेट मिल सकता है वो हम वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे पहली बात तो दोस्तों, इसको सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट था दोस्तों 18.5, मतलब 18.50 रुपये का इसको अच्छा सपोर्ट था लॉन्ग टर्म के लिए। इसने यही पे सपोर्ट लिया। 2005 से अगर आप देखोगे, 2004 से स्टॉक यहाँ पे गया 45, 18 पे आया, उसके बाद 90 90 पे, 90 100 के आसपास गया, वापस यही लेवल पे आया, वापस 90 तक गया, वापस यही लेवल पे आया। और यहाँ पे ब्रेकडाउन देखिए, वापस ऊपर यही सपोर्ट को, यही लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट इम्पोर्टेंट था, एक लेवल ड्रॉ करके रखे। सेकेंड लेवल दोस्तों एक है, ओके, एक सपोर्ट था। तो यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको बॉटम में ऐसा पैटर्न दिखता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। पैटर्न है दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पे देखिए, डब्ल्यू पैटर्न बना, मंथली टाइम पर भी इसने इस नेक लाइन का भी ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद वापस रिट्रेस किया, यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। यही हमारा SL और यही हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए था। और वहाँ से आपका टारगेट देखिए दोस्तों, कितना बड़ा टारगेट आया रहता आज। तो यहाँ पे एक W पैटर्न बनने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छा पैटर्न हमें दिखा। उसके बाद इसने एक लो बनाया दोस्तों, उसके बाद इसने एक हायर लो बनाया, और यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, वापस एक हायर लो, ये हायर हाई। तो डेफिनेटली एक वापस एक हायर लो बनाने के लिए डेफिनेटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र 40 के आसपास आना चाहिए। अगर दोस्तों आपको इस लेवल, और एक पैटर्न दिखाऊंगा मैं आपको, उसके ऊपर बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है। अगर इस लेवल पे आने के बाद आपको अगर कोई ग्रीन कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज होते हुए दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। टारगेट बताऊंगा कितना रहेगा। ओके, ये दो अच्छे पैटर्न यहाँ पे देखिए, हायर लो, हायर हाई का पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, उसके नेक लाइन को ब्रेकआउट, रिटेस्ट का पैटर्न हो गया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल है। ओके, यहाँ पे देखिए 2017 से इसने एक कप बनाया था दोस्तों, ये इसका हैंडल बनाया था, ये कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, लगभग 5 6 महीना टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और ऊपर ही जा रहा है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, कप एंड हैंडल पैटर्न। और इसका देखिए, हैंडल के पास इसने कितना टाइम स्पेंड किया, 6 महीना, और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, लगभग 51 तक गया। अभी हमें कौन से लेवल पे बाय करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो डेफिनेटली आपको इस लेवल तक वेट कीजिए, 37 अगर आता है तो। अभी कैसा है दोस्तों, ये इसका जो अभी रिसेंट का जो मेजर रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, रेजिस्टेंस है 53। ओके, और ऑलरेडी बैंक ऑफ महाराष्ट्र 52 तक जाके आया, और अभी चल रहा है 45 तक, अभी ये गया 40 तक भी जाके आया, उसके बाद ये वापस 49 तक गया, अभी 45 पे चल रहा है। तो हमें कैसे काम करना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, वीकली टाइम फ्रेम पे अभी जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे वो ड्रॉ करके रखे। ओके, ये थोड़ा इसको मैं बाद में ड्रॉ करके देता हूँ आपके लिए, समझने के लिए ईजी हो जाए। ओके, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 38। अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, अभी मुझे इस स्टॉक में एंट्री करना रहेगा तो कैसे करने का वो देख लेते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मुझे दिख रहा है, अगर आपको एंट्री ही करना है तो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा दोस्तों 49 के आसपास। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो हमारा SL रहेगा लगभग यहाँ से 10% का, 10% का SL रहेगा। ऑब्वियसली टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा 20% और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 30%, जो कि 65 तक रहेगा।
तो यहाँ पे जैसे ही 49 के ऊपर आपको 49 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल जाता है, आपको इस उसी हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके, यहाँ पे आपको ब्लू लाइन आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, एसएल आपका ये रहेगा 45 के आसपास, जो कि हमारा रेड में रहेगा, क्या रेड में डाल देते इसको, और हमारा टारगेट रहेगा 65 तक, जो कि हमारा ग्रीन लेवल रहेगा। ओके, अभी मैं वापस वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ मुझे कोई मेजर, यस वही मुझे सेकेंड टारगेट दिख रहा है 64-65 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको एंट्री लेना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो इमिडिएटली आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन आपको क्लोजिंग चाहिए 49 के ऊपर, तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। आपका ऐसे रहेगा 45 का 10% का रहेगा, और टारगेट डेफिनेटली हमारा 1:2 और 1:3 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक कंफर्मेशन लिया, हमारा जो अभी इंडिकेटर है जिसके ऊपर हमें और थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है कि स्टॉक में एंट्री करना चाहिए क्या नहीं, वो ये फर्स्ट हमारा RSI। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने क्या किया, अभी चल रहा है 50, तो इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म में अभी ये निगेटिव मतलब थोड़ा बेयरिश दिख रहा है, तो इसको 60 के ऊपर क्लोज होने दीजिए दोस्तों। जैसे ही 60 के ऊपर इसका RSI जाएगा, डेफिनेटली ये तब तक ये स्टॉक 50 के ऊपर चला जाएगा। ओके, उसके बाद अभी मिड टर्म में देखोगे तो दोस्तों ये बुलिश है अबो 60, और लॉन्ग टर्म में भी देखोगे तो ये अभी 70 अबो 70 काम कर रहे हैं, मतलब मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव और बुलिश दिख रहा है। लेकिन अभी थोड़ा एक करेक्शन और थोड़ा जो मार्केट नीचे आता है तभी ऐसा सिनारियो आपको देखने को मिल सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेफिनेटली जैसे ये 60 क्रॉस करेगा, ये 50 क्रॉस कर देगा, 49 क्रॉस कर देगा, वहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उसी हिसाब से आपको काम करना है जैसे हमने लेवल्स बताए, और उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान बनाना है दोस्तों। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हमने हर एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है, उसी हिसाब से अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेना रहेगा तो डेफिनेटली आपका भी टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।